सत श्री अकाल, सलाम और नमस्कार। मैं आपका होस्ट और ट्रेनर करणवीर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ मदर डे स्पेशल। मेरे सेशन का आज का नाम है योगा विद मदर। अब हम आपको लेकर चलते हैं आज के सेशन पर। तो मेरे साथ आप नीचे चलेंगे सभी, आराम से थोड़ी स्लोली स्लोली ब्रीथ करते हुए ऊपर पर जाना है। टोस पे होल्ड रखना है बॉडी को। सही नीचे हमारा सारा आसन था। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है त्रिकोण आसन। ये हमारी साइड फैट बैली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। पहले हम अपनी बाजू को ऊपर लेकर जाएंगे और दूसरी बाजू को अपने शोल्डर के पैदल खोलेंगे और आराम से ऐसे ही नीचे जाना है और इस बाजू को अपने नीचे टच करें। सेम दूसरी आर्म। किसी की बॉडी आगे को झुकी ना हो। अपने सांस को खींचते हुए ऊपर को जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अपने पांव को टच करना है और यहाँ पे होल्ड सेम ऐसे ही ब्रीथ करते हुए ऊपर आ जाना। ये अकेलौता आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये हमारे पाचन प्रणाली को बहुत अच्छे ढंग से चलाता है और ये हमारे खाने को पचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करने के लिए मदद करता है। हमारे पांव हमारे मसल्स के नीचे, हैमस्ट्रिंग मसल के नीचे होंगे और हम आराम से ऐसे बैठ जाएंगे। आपकी बैक स्ट्रेट हो, में लेट जाना और आपके हाथ आपके शोल्डर से थोड़ा पीछे रख के अपनी बॉडी को ऊपर को उठाना। यहाँ पे होल्ड रखेंगे और आसन इस यहाँ से पीछे आते हुए हम एक और आसन को इंक्लूड करेंगे। ये दो आसन ऐसे हैं जो कि हमारी बैक पेन को रिलीफ देते हैं, हमारे बैक मसल्स को रिलीफ देते हैं। और आगे की तरफ झुका लेंगे।
करना है जो हम पद्मासन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पहले एक टांग को ऊपर रखना है ऐसे, और दूसरी टांग को उठाकर ऊपर रख लेना है, और आपकी बैक पीछे से स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए और इस मुद्रा में बैठना। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पहले क्या, हम अपनी बाजू को ऊपर लेकर जाएंगे, अपने सांस को ऊपर को खींचेंगे और धीरे धीरे नीचे छोड़ते हुए अपने पांव की तरफ। जहां तक अपने पांव को टच कर सकते हो आप, वहां पे पकड़ के रखना है, अपनी बॉडी को वहां पे मोड़ रखिए। धीरे धीरे ऐसे ही वापस उस मुद्रा में आएंगे जहां से हम आसन में गए। लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसके साथ हमारे माइंड को कामनेस मिलती है, उसके कारण हमारे जितने भी डेली में काम करते हैं, हम डेली रूटीन में जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। मेडिटेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अब हम मिलके मेडिटेशन करेंगे, अपनी आंखें बंद करके अपनी बैक स्ट्रेट करनी है, इस मुद्रा पे बैठना है और ओम का ज्ञान करना है। ओम करते हुए अपनी आवाज पे फोकस देना है और आपकी आंखें बंद रहें।